नमस्कार दोस्तों, CIA, FBI, मोशाद या फिर रॉ, ये सब दुनिया के टॉप खुफिया एजेंसियों के नाम हैं। पर अगर इस लिस्ट में एप्पल को जोड़ दें तो आपको ये मजाक लगेगा। वैसे आप सही हैं, एप्पल कोई खुफिया एजेंसी नहीं, लेकिन इसके दफ्तर, ऑफिस का कल्चर और इसकी सफलता की कहानी पढ़ेंगे तो आपको जरूर भरोसा हो जाएगा कि ये किसी खुफिया एजेंसी से कम भी नहीं है। तो चलिए आपको दुनिया की नंबर वन कंपनी की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं कि कैसे 46 साल पुरानी कंपनी आज दुनिया पर राज कर रही है, क्यों एप्पल की हर चीज सीक्रेट रखी जाती है, कैसा है दफ्तर और कर्मचारियों को कितनी सैलरी मिलती है। आइए पहले कंपनी को समझ लेते हैं, फिर इसकी तह में उतरेंगे। एप्पल सिर्फ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी नहीं, बल्कि एक ब्रांड है। तभी दुनिया में अच्छा कमाने वालों में 69% लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स रखना पसंद करते हैं। एप्पल ब्रांड के प्रति दीवानगी का आलम इतना रहा है कि किडनी बेचने वाली कहानियां आपने सुनी ही होगी। यहां तक कि कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर आखिरी समय तक चीजें सीक्रेट रहती हैं। आईफोन 14 को लेकर बाजार अभी चर्चाएं कर रहा है। खैर, हम कंपनी की बात कर रहे हैं। आईफोन, आईपैड, मैक, एयरपॉड, वॉच, टीवी, एक्सेसरीज बनाने वाली कंपनी एप्पल के पास 16,00,000 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व है। इसका मार्केट कैप 188.49 लाख करोड़ रुपए है। यह 183 देशों के GDP से भी ज्यादा है। एप्पल की नेटवर्थ से ज्यादा GDP वाले देशों में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, ब्रिटेन और फ्रांस है। कंपनी जनवरी 2022 में $3 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी और ऐसा करने वाली वह इतिहास की पहली कंपनी थी। आइए अब कंपनी का सक्सेस फार्मूला जान लेते हैं। एप्पल उन कंपनियों में से है जिसने कभी खुद से कोई तकनीक विकसित नहीं की, बस मौजूदा तकनीक उत्पादों को इनोवेट करते हुए बेहतर से बेहतर बनाया। इसी एक फार्मूले को मूल मंत्र बनाया। जैसे एप्पल अप्रैल 1976 में बनी तो पहला उत्पाद एप्पल वन कंप्यूटर था। इसे स्टीव वोजनियाक लेकर आए थे, पर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो 1973 में आ गया था। पहला व्यावसायिक PC भी 1974 में आया। समय के साथ एप्पल 1, 2, 3 आए और फिर मैक में भी डिजाइन, OS प्लेटफॉर्म और इससे जुड़ी एप्लीकेशन अपग्रेड होती गई। कह सकते हैं कि एप्पल ने बेसिक चीज पर काम नहीं किया। एप्पल ने MP3 प्लेयर्स नहीं बनाए, लेकिन इनोवेटिव डिजाइन, आसानी से डाउनलोडिंग और सॉफ्टवेयर का इको सिस्टम बनाकर पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर इंडस्ट्री पर एक दशक से राज कर रहा है। यही हाल आईफोन का है। पहला स्मार्टफोन एप्पल ने नहीं बनाया, पर इनोवेशन ने फिर कमाल कर दिया। पर अभी एप्पल की असली सफलता का राज जानना बाकी है। एप्पल में सैकड़ों की संख्या में स्पेशल टीम है, जिसमें दर्जनों टीम सिर्फ किसी एक उत्पाद के किसी एक फीचर पर रिसर्च करते हैं। मतलब एप्पल में किस बारीकी से काम होता है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 2009 में एप्पल में कैमरा टेक्नोलॉजी के चीफ साइंटिस्ट पॉल हुबल आईफोन का पोर्ट्रेट फीचर डेवलप कर रहे थे। उस समय सिर्फ महंगे और सिंगल लेंस वाले कैमरा ऐसी फोटो ले सकते थे। पोर्ट्रेट मोड को समझने के लिए दुनिया के बेस्ट फोटोग्राफर्स की पोर्ट्रेट तस्वीरें मंगाई गई। इंजीनियर्स की टीम ने उन्हें बारीकी से समझा, अल्गोरिदम बनाई गई। पोर्ट्रेट मोड के साथ डुअल लेंस कैमरा लॉन्च होने की योजना में 40 स्पेशलिस्ट टीमें इसके पीछे लगाई गई। इसमें सिलिकॉन डिजाइन, कैमरा सॉफ्टवेयर, रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, मोशन सेंसर हार्डवेयर, वीडियो इंजीनियरिंग, कोर मोशन और कैमरा सेंसर डिजाइन चंद। फिर आईफोन 7 प्लस की मार्केटिंग में इस पोर्ट्रेट मोड को बुनाया गया। चलिए अब इसके खुफिया वर्क कल्चर को भी जान लेते हैं। एप्पल में काम कर चुके कर्मचारियों ने कई वेबसाइट्स को दिए इंटरव्यू में अपनी बातें कही। कई ने सोशल मीडिया पर अपनी राय भी रखी। अमेरिकी पत्रकार एडम लैंसिंस्की ने अपनी किताब इनसाइड एप्पल में भी कंपनी को लेकर रोचक जानकारियां उजागर की है। एप्पल ने पिछले एक दशक में $488 अरब मूल्य में अपने ही शेयर निवेशकों से वापस खरीदे, यानी बाई बैक किए। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में फाइनेंस के प्रोफेसर अश्वथ दामोदरन कहते हैं कि एप्पल इतिहास में अब तक की सबसे अच्छी कैश मशीन है। कंपनी के स्टॉक ने 2014 में 40% का रिटर्न दिया, 2017 में 48, तो 2019 में 88, 2020 में 82 का सालाना रिटर्न दिया। कंपनी ने पिछले एक दशक में निवेशकों को 1200% का रिटर्न दिया है। हालांकि अभी स्टॉक नीचे है,
एप्पल के पास 16 लाख करोड़ रुपए का कैश रिजर्व है। वहीं साल 2020 में 18.7 बिलियन डॉलर रिसर्च डेवलपमेंट पर खर्च किए थे। आइए अब चलते चलते कंपनी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स ने अपने साथी वाजनियाक के साथ मिलकर गैराज से एप्पल की शुरुआत की थी। 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया। उनका कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन स्किली से विवाद हो गया था। 1997 में स्टीव की फिर से कंपनी में वापसी हुई। अगस्त 2011 में टिम कुक कंपनी के सीईओ बने। इससे पहले वह चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। दोस्तों, एप्पल के इस मेगा एम्पायर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।